नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। आगे
जिन्होंने महिलाओं को
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने सेल्फ ट्रेनिंग के क्लासेस कैंप्स चालू कर दिए और उसी तरह महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए हमने रोजगार भी महिलाओं को देने की शुरुआत की है। इस माध्यम से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पदवी उनको मिलेगी और वो जाके अपने प्रोडक्ट बेचेंगी और अपना घर मजबूत बनाएंगे, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत होगी। तो महिला कांग्रेस हर उस महिलाओं की कठिन परिस्थिति में शामिल होना चाहिए जिसमें वो अपने आप को खड़े हो। आज आपने देखा यहाँ पे जो एक्शन था उसमें जो अवार्ड दिए गए उसमें एक कंसेप्ट लेकर हम आए थे, हमारी टीम कंसेप्ट लेके आई थी महिला कांग्रेस के लाडकी लेक अभियान जिसमें पेरेंट्स को और लड़की को दोनों को सम्मानित किया क्योंकि पेरेंट्स ने अपने गरीबी सिचुएशन में भी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। एक इंजीनियर को अपने आज गरीब का उसी तरह एक मामूली रिक्शा वाली जो विधवा है जिसके हस्बैंड गुजर गए आज वो कांसी गली में रिक्शा चलाती है, अपना पेट पालती है और सम्मान से अपना काम करती है। ये महिलाओं का सम्मान है। आज हम महिला कांग्रेस के यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्ता हों चाहे आने वाले पीढ़ी के अगर से चाहते हैं कि हमारी महिला कांग्रेस हर कोने कोने में हम उनको सशक्त बनाए और आने वाले चुनाव गली गली में पहुंचाने के सभी के मदद। थैंक यू।